मैंने क्या कहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज चैनलों पर भी वो चल गया, हालांकि मेरा उद्देश्य न्यूज चैनल पे चलना नहीं था उसका। मैं तो कथा में बोल दिया कि हर सनातनी पांच पांच बच्चे गोद में खिलाए। मैंने क्यों बोला? आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम गलत बयानबाजी करते हो। ईमानदारी से बताओ कि अगर आज और 10 साल तक ये सनातन राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, तो ईमानदारी से बताओ 25 साल बाद क्या सेकुलर कंट्री रह सकेगा? आप सब नहीं जानते इस सच को। जान कर भी अगर आंखों पे कोई पट्टी बांध रहा है और जान बुझ के चुप बैठा है, तो वो आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहा है। और मैं उस अन्याय को, कम से कम मेरा आत्मा मरा नहीं है, मेरा जमीर मरा नहीं है। और अगर मेरा जमीर मरा नहीं है तो मेरे हाथ में है आवाज उठाना। मैं आवाज उठा सकता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा। सरकार माने न माने तो सरकार की मर्जी। आप लोग उसे नेगेटिव करके दिखाएं, पॉजिटिव करके दिखाएं, वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा जमीर मर गया है तो मैं मौन हो जाऊंगा। अगर मेरा जमीर थोड़ा भी जिंदा है तो मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना पड़ेगा। मेरी बच्चियों के 35 टुकड़े होते रहे और मैं चुप बैठा रहा हूं, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरी बहन बेटियों को कोई सरेआम गोली मार दे, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरी बहन बेटियों को कोई घर से उठा के ले जाए, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरी बहन बेटियों के 13 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, जहां सरकार कहती है कि 18 साल की उम्र में बच्ची शादी करेगी, वहां 13 साल की बच्ची का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, मुझे सोचना पड़ेगा। और अकेला मुझे नहीं सोचना पड़ेगा, शासन को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा, पत्रकारों को सोचना होगा, कथाकारों को सोचना होगा, और निकम्मे बॉलीवुड वालों को सोचना होगा।